एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी। दरअसल एक नहीं दो, एक ही प्रोडक्ट है, एक ब्रांड के दो फाउंडेशन हैं, तो आप एक कह लीजिए या दो कह लीजिए, कंपैरिजन वीडियो है ये। तो दोनों ही फाउंडेशन एक ब्रांड के हैं और वो है मेबेलिन फिट मी, मेबेलिन न्यूयॉर्क का। इस तरह ये देखिए, ये है फाउंडेशन मेबेलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन, और ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए। यहाँ पे मेंशन है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए। 30 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है और इसका जो प्राइस है वो है 500, और सेल में ये आपको 450 तक भी मिल जाता है। अगर आप कभी अमेजोन पर, पर्पल पर, नायका पर जब देखें फेस्टिवल सेल होती है, तो आपको ये 450 में बड़े ही ईजीली मिल जाएगा। तो इस तरह का ये फाउंडेशन है और इसका जो शेड नंबर है मेरा ये है 115, यानी कि आइवरी शेड है ये मेरा। और ये जो दूसरा वाला फाउंडेशन है ये भी है मेबेलिन का, ये देखिए ये है इस तरह से, ये 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन है, सुपर स्टे इन्होंने लिखा हुआ है, सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। इसकी भी प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है वो 30 ml है और यहाँ पे मेंशन है इसकी भी जो है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। तो दोनों ही फाउंडेशन जो हैं वो ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए हैं। और इसका जो प्राइस है वो है 750, इसमें जो मेरा शेड है वो है 112, यानी कि 112। तो ये हल्का सा, उससे थोड़ा सा एक टोन लाइट है ये शेड, ये वाला, ये देखिए हल्का सा ये एक टोन जो है इससे हल्का सा ये लाइट है ये वाला, लेकिन दोनों ही आइवरी शेड हैं दोनों ही। तो मैं दोनों को, दोनों जो हैं आपको लगा के दिखाऊंगी, एक साइड में इसे लगाऊंगी और दूसरी साइड में इसे लगा रही हूँ, तो आप देखना कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो मुझे, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप भी देखना कि ये तो इसमें आपको कोई भी पंप नहीं मिलता है, ये इस तरह से इसका ये कवर है और ये इसकी पैकेजिंग इसी तरह से होती है, दोनों की पैकेजिंग इसी तरह से आती है। ये किसी भी जो है बॉक्स में नहीं होते या किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में नहीं होते, दोनों ही इसी तरह की पैकेजिंग में आते हैं ये। तो एक साइड में ये लगा रही हूँ, मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ड्राई स्किन होने के बावजूद मैं इसको गर्मियों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में जिनकी स्किन ड्राई भी होती है उनको भी पसीना आता है, तो पसीना आने की वजह से हम जो है ये हमारा जो है ये चल जाता है ये वाला फाउंडेशन। तो मैं इसको इस तरह से, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपको एसी में बैठना है और आपको कहीं बाहर नहीं जाना, तो आपको ऐसा लगता है कि पसीना आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो आप अपनी स्किन को अच्छे से पहले मॉइस्चराइज करें अच्छी तरह से। कोई भी अपनी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आपका है आप यूज़ करते हैं, उसे अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरफ से और इस तरफ से डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब ये जो दूसरा वाला है जो सुपर स्टे 24, ये यहाँ पे देखिए ये 24 फुल कवरेज है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फुल कवरेज है या नहीं है। और ये स्टे, ये वाला जो है ये मैंने बहुत मुझे लगता है कि मैं एक दो साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, 1.5-2 साल से, तो ये
3 से 4 घंटे बड़े ही आराम तक जो है वो आपका, और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो फिनिशिंग है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, तो 3-4 घंटे ये आपका बड़े ही आराम से अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो निकल जाता है, ये बिल्कुल भी आपका फैलता नहीं है, ये निकलता नहीं है। देन उसके बाद इसके साथ जो है आपको मिलता है ये पम्प, ये देखिए, और इसको भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि ये एक ही पम्प जो है मैं पूरे फेस के ऊपर लगाती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा है क्योंकि मुझे हाफ फेस पे लगाना है, तो इसको मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो जाएगा, क्योंकि ये शेड जो है ना ये हल्का सा मेरे फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये फेयर है ज़्यादा। तो मैं बाकी का ये यहाँ पे नेक पे लगा देती हूँ, और इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है और आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आता है आपके फेस के ऊपर, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर को इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसे गीला मत करें। आप ड्राई जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसे यूज़ करेंगी ना तो वो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा आपके फेस से जो वो निकल जाएगा, सोख लेगा। इसकी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम लगती है, अब आप देखो डिफरेंस, पहले मेरे फेस में क्या डिफरेंस था और अब जो है अब क्या डिफरेंस है। इसका जो कवरेज है वो हल्का सा उससे इससे ज़्यादा है, हल्का सा इससे ज़्यादा है, हालांकि मैंने इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही ज़्यादा कम रखी थी, तब भी इसका जो कवरेज है वो ये दूसरे वाले से जो मैट प्लस पोरलेस है उससे थोड़ा सा इसका कवरेज मुझे ज़्यादा लगता है। तो मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, इसका जो है हम 7 से 8 घंटे तक ये वाला जो है बहुत ही अच्छी तरह आपके फेस के ऊपर टिका रहता है और आपको दोबारा जो है वो रीटच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी। अभी तक मैंने पाउडर भी नहीं यूज़ किया है। तो अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप कॉम्पैक्ट को यूज़ ही ना करें, बिना कॉम्पैक्ट के इसी सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के साथ भी अपना मेकअप कर सकते हैं। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो कॉम्पैक्ट को यूज़ कर सकते हैं या लूज़ पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखो इधर वाला, ये वाला जो फेस है इस साइड का, ये ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा इसकी अच्छी कवरेज है, लेकिन इधर इस साइड जो है मुझे हल्का सा लग रहा है कि मुझे जो है वो कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी थोड़ी सी इसकी ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी है, फिनिशिंग इसकी भी बहुत अच्छी है। जब मैं इसे यूज़ कर रही थी 1.5-2 साल से तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मुझे ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब देखो जितना इन्होंने लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है, अगर आप अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करके इसको यूज़ करते हो तो ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ऑयली स्किन वाले ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप अच्छे से बहुत ही अच्छी तरह से अपनी फेस को मॉइस्चराइज़ करें। मैंने अपने फेस के ऊपर पहले एक सीरम लगाया था, देन उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था। तो अब देखो आप कि बहुत ज़्यादा जो है मेरा फेस, आप नज़दीक से देख लो, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रहा है। तो अगर हम इस वाले को यूज़ करते हैं और इसको हम इसकी भी अच्छी कवरेज लाना चाहते हैं, तो आप या तो हल्का सा कोई भी अपना कंसीलर ले लें, जैसे ये कंसीलर है हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर अगर आप कंसीलर भी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप फाउंडेशन की ही हल्का सा 2-3 मिनट के बाद जब आपका ये ड्राई हो जाए तो आप फाउंडेशन की ही एक लेयर और हल्का सा फाउंडेशन, आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि हाँ आपका जो स्किन है वो थोड़ा सा डार्क है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन को भी एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। तो आपका दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में आपको इन दोनों फाउंडेशन के बारे में बता दिया है कि
कि आप इसको समर में यूज़ कर सकते हो। ड्राई स्किन वाले भी इसे समर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ विंटर में मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी इन दोनों को। तो इसकी शेल्फ़ लाइफ आपको 2 साल की मिल जाती है, तो आप समर में इसे यूज़ कीजिए, विंटर में आप इसे रख दीजिए, देन अगले समर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ ऑयली स्किन वाले इसे हर टाइम, या नॉर्मल स्किन वाले, नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले इसे एवरी टाइम यूज़ कर सकते हैं, समर हो विंटर हो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं विंटर आते ही इसे रख दूंगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं विंटर में इसे यूज़ नहीं कर सकती। तो आप भी अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपकी जो स्किन है अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।